कोटा जिले के सुकेत कस्बे के एक मेडिकल स्टोर से कोटा औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा जब्त किए गए सरकारी सप्लाई के 134 इंजेक्शन झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल से गायब हुए थे। इस मामले में जिला कलेक्टर के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम भी जांच में जुटी हुई है। इसी मामले को लेकर जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने जिला एसआरजी अस्पताल व ड्रग स्टोर का निरीक्षण किया व चिकित्सा अधिकारियों को दवाई भंडार के रिकॉर्ड का नियमित संधारण करने व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कोटा जिले के सुकेत कस्बे में सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद मीणा ने जांच में एक मेडिकल स्टोर पर छानबीन के दौरान निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शन बाजार में बेचे जाने पर जब्त किए थे। पूरे मामले में प्रारंभिक जाँच में सामने आया था कि जब्त किए गए 134 सरकारी सप्लाई के इंजेक्शन झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल से गायब हुए थे। प्रारंभिक पूछताछ में मेडिकल स्टोर संचालक ने झालावाड़ निवासी एक युवक से यह इंजेक्शन खरीदना बताया था। दो दिन पहले कोटा के ड्रग जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं, उन्होंने सुकेत में कहीं जांच की थी, उसमें कुछ दवाओं का बैच मिला। वो जांच में पाया कि वो बैच जो है यह एसआरजी मेडिकल कॉलेज को मिला था, और इसमें प्रारंभिक जाँच पे एक जो संविदा पे कर्मचारी है उसका नाम उन्होंने बताया वहाँ से कि वो व्यक्ति ने उनको सप्लाई किया था। तो इसी संदर्भ में मैंने आज कुछ निर्देश भी जारी किए हैं कि इनका टाइम पे सत्यापन किया जाए और यहाँ एक चौकसी बढ़ाई जाए, इनका ऑफिस रहे और अंदर जाने वालों की एंट्री भी हो। और ड्रग स्टोर को देखा है तो इसमें कुछ जो एक तरीके से परिवेक्षण कर सकते हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको प्रॉपर कराने का प्रयास करेंगे। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, चूँकि संविदा पे है तो वो तो काम पर नहीं आएगा, ठेकेदार को उसको नहीं रखेंगे, लेकिन मुकदमा जरूरी है।